ओके तारीख लगे ना लगे, तारीख पे गया तो 3.5 लाख रुपए लेता उस टाइम। फिर कितने कितने काउंटिंग आई, बस सर जो आ गई आ गई। फिर भी एस्टिमेट आगे के लिए औरों को फायदा हो जाए। अब तो वो वकील अभी तो वही वकील 5.5 लाख रुपए पर हियरिंग ले रहा है जो मैंने कर रखा था नहीं, ना, कितनी कितनी काउंटिंग आई आप लोगों, कितने कितने काउंट्री करी है, 12-13 लाख रुपए के आसपास इकट्ठे करे थे। इकट्ठे करे थे। ओके okay। हाँ वो मतलब कि उस हिसाब से चला है। अब देख लो कितने, कम से कम 50-50 हजार से कम तो क्या हुए, किसी के ज्यादा आगे किसी ने कम दे दिए, चलो ये किसी तो ने कम कोई बड़ी दे बात दिए। नहीं है यार, अगर केस जिता दिया उस बंदे ने तो ये तो कोई। गुरु जी हाई कोर्ट में भी तो लगे हैं, सिंगल बेंच में भी लगे इतने, डबल बेंच में भी लगे इतने। ठीक है, उसके उसके बाद में जिताया उसने, नहीं जिताया तो कुछ मैटर ही नहीं था ना, हाँ ये तो जबरदस्ती की हरासमेंट हुई है। सिर्फ इतना सा था कि भाई बीएड का ये रिजल्ट अगर आप नहीं मानते तो फाइनल भी तो यूनिवर्सिटी देती है, वो क्यों मान रहे हो फिर? अगर आप इस कोर प्रोविजनल या कॉन्फिडेंशियल को नहीं मानते तो फाइनल को क्यों मान रहे हो? यूनिवर्सिटी के ही है दोनों रिजल्ट, कोई गलत चीज है तो आप सीबीआई जांच करा लो, जज ने यही बोला। मैं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें सुनवाई के दौरान मैं जुड़ा हुआ था इनके साथ, सुप्रीम कोर्ट के जज थे हमारे वकील, इनके वकील, तो यही बात चल रही थी। तो जज ने अच्छा धमकाया इनको कि तुमने तो यार इनकी ऐसी तैसी कर दी, पूरी 6 साल खराब कर दी, कोर्टों में कुछ था भी नहीं, टाइम काफी काम कर दिया। अच्छा पिछले सारे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इंक्रीमेंट मिलेगा। वो अच्छा मैंने वो बोल दिया लास्ट में मैंने खुद ही बोल दिया, आगे सर पैसे तो सैलरी तो नहीं मिलनी पर इंक्रीमेंट और इन सीनियरिटी तो जो है हमारी, और कुछ टाइम ली तो कुछ करवाओ। हाँ फिर वो उसने लिखवा दिया ऑर्डर में कि इंक्रीमेंट जो पीछे ज्वाइन करे उनके हिसाब से नोशनली, और सीनियरिटी जो है इनकी वो रहेगी, और सैलरी तो नहीं मिलेगी पीछे की। ओके। जज ने कहा कि सैलरी भाई सर पहले चौदह 2 कर रहे लाख थे क्या? सर हाँ 15-16 लाख रुपए खा गए आपसे। ज्यादा खा गए सर, 2.5 साल हो गए ना, 2.5 साल हो गए। ग्रोस लगा के चलो ना आप, देख लो 2.5 साल का कितना, अगर फिर लग भी गए ऊपर से लगवा भी दिए, हरासमेंट करवा दी। जज ने ये कहा कि भाई तुम वकील हो, तुम्हारी डिग्री ना आती तो तुम क्या वकालत नहीं करते? तुम भी तो करते हो वकालत, तुम्हारी फिर वकालत वो कर दी जाए। बकवास कर रहे थे ऐसे। हाँ चलो ठीक है फिर करें स्टार्ट। जी सर। ओके ओके ओके। हम कहाँ पहुंच गए थे, आइगन वैल्यूज पे, आइगन के वैल्यूज की प्रॉपर्टी कर रहे थे। हाँ यस सर, प्रॉपर्टीज कर रहे थे। जी तो प्रॉपर्टीज ही कर रहे हैं अभी, तो ये प्रॉपर्टी है नेक्स्ट हमारी। 17 नंबर तक हो गया था सर। हाँ इफ इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है, देन जो लैम्डा कॉन्जुगेट है वो क्या होगी, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ, या तो मैट्रिक्स क्या हो ए कॉन्जुगेट हो या क्या हो ए स्टार हो, मतलब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हो, दोनों की आइगन वैल्यू क्या बनेगी, दोनों की आइगन वैल्यू लैम्डा कॉन्जुगेट बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू है चेंज हो जाएगी, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए आइगन वैल्यू क्या है, 1+i 2+i 0 1, ये मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 1+i है और 2+i है, ये आइगन वैल्यूज है ए की,
अभी आइगन वैल्यूज एक ही क्यों है, क्योंकि ए मैट्रिक्स कैसी है, अब लवल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट देखू, कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका, वन माइनस आई जीरो, वन टू माइनस आई। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाला, जो आइगन वैल्यूज है किसकी, ए कॉन्जुगेट की, वो क्या क्या है, वन माइनस आई है, टू माइनस आई है। तो इनका कॉन्जुगेट तो है, इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है, और ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की, मतलब ए स्टार की कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अब मैं करूंगा, तो वन माइनस आई जीरो, वन टू माइनस आई, लवर थी अपर बन गई। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्टार क्या है, वन माइनस आई है, गुड इवनिंग, टू माइनस आई, ये फर्स्ट है, थैंक यू। हाँ जी, तो ए की जो आइगन वैल्यू है कॉन्जुगेट तो बन गई, ठीक है, जो मैट्रिक्स हमें दी होती है ए गिवन होती है, अगर मैं उसका कॉन्जुगेट दे दूं या उसके ऊपर स्टार लगाकर दे दूं, तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले वाली आइगन वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है भाई, नेक्स्ट जो आज की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये है, 17 हो चुकी थी, 18वीं प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। जी सर। यस सर। ओके, तो मैं आगे चलूं? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है, देन मोड ऑफ लैम्डा स्क्वेयर नीड नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ए स्टार और ए स्टार ए, ठीक है, पहले तो ये दे रहा है, फिर कहता है हाउ एवर आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्टार ए आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इनकी आइगन वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, जो ए स्टार या ए स्टार ए की बात करें हम। फर्दर मोर इफ ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेट क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, नॉन सिंगुलर, देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए ए स्टार और ए स्टार ए नॉन नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स।
ठीक है, तो जहां नीड नॉट बी ट्रू है वहां आपको क्या देना पड़ेगा, काउंटर, और जहां है वहां देना पड़ेगा लॉजिक, वहां लॉजिक देना पड़ेगा, और जहां नहीं है वहां क्या देना पड़ेगा, काउंटर। ठीक है, क्या दे सकते हो काउंटर? हाँ जी, क्या दे सकते हो? ये कहना क्या चाहता है यहां पर? देखिए, अगर मैं इसको शॉर्ट वर्जन में देखूं, जो ए की आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है, ए स्टार की आइगन वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा का कॉन्जुगेट होगी। अब प्रोडक्ट पे आइगन वैल्यू ट्रांसफर नहीं होती, हमने देखा था ना कि इफ लैम्डा वन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड लैम्डा टू बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी, देन लैम्डा वन डॉट लैम्डा टू नीड नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ए बी। भी प्रोडक्ट पे ये चीजें ट्रांसफर नहीं होती हैं, मैंने काउंटर दिया था ना, तो यहां क्या प्रोडक्ट पे ट्रांसफर हो जाएगी बताओ? नो सर, यहां ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, आप यूं नहीं कह सकते कि लैम्डा, देयरफॉर जो लैम्डा, लैम्डा कॉन्जुगेट नीड नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्टार। और आपको पता ना जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मोड जेड स्क्वेयर, तो आप कह सकते हो मोड लैम्डा स्क्वेयर नीड नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ए स्टार। सीधा लॉजिक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, क्योंकि सम पे और प्रोडक्ट पे आइगन वैल्यू ट्रांसफर हो जरूरी नहीं है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बात। क्या काउंटर दे सकते हो, कोई काउंटर दे सकते हो? यस सर, जो अभी यूज किया था ना पिछले में, हाँ उसमें भी डिफरेंट आ रही है सर वैल्यूज। देखो जैसे मैट्रिक्स क्या थी हमारी, मैट्रिक्स ए थी हमारी सर 1+iota। एक मिनट, हेलो सर। हाँ हेलो सर, अगर मेरी जो करेक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं अगर वो सेम आ जाए, मतलब डिस्टिंक्ट ना आए, तो वहां पे पी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? आइगन वैल्यू क्या आ जाए, डिस्टिंक्ट ना आए सर, मतलब सेम आ जाए आइगन वैल्यूज, तो वहां पे पी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? ना ना, ऐसा नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करेगा। डेफिनेशन में तो ये लिखवाया था कि जो एल आई वेक्टर्स होते हैं उन्हें, वो अगर एल आई वेक्टर ना कम आ जाए, आइगन वेक्टर कम आ जाए ऑर्डर से, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी पी, अगर इक्वल आ जाए तो कर जाएगी, रिपीटेड में तो इक्वल आ सकते हैं। ठीक है सर।
तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो देखो हम काउंटर लेते हैं, सब पूजा बता रही थी कि वही एग्जांपल काम कर रहा है। ए वन प्लस आई है, जीरो है, क्या थी मैट्रिक्स पूजा? हाँ जी, वन टू प्लस आई, टू प्लस आई थी। तो इसकी आइगन वैल्यू कौन थी? वन प्लस आई, वन प्लस आई, टू प्लस आई। और ए स्टार क्या थी? ए स्टार वन माइनस, वन माइनस आई, जीरो वन, टू माइनस आई। इसकी आइगन वैल्यू क्या है? वन माइनस आई, टू माइनस आई। तो ए ए स्टार क्या बनी? ए ए स्टार बन गई आपकी, मल्टीप्लाई करो, वन प्लस आई की वन माइनस आई के साथ टू, फिर टू वन प्लस आई, हाँ टू, आगे बनी वन प्लस आई, आगे वन माइनस आई, वन माइनस आई, आगे सिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी लैम्डा स्क्वायर माइनस एट लैम्डा, और डिटरमिनेंट कितना है? टेन आया, टेन प्लस का जीरो, तो लैम्डा कितनी आ रही है? एट प्लस माइनस सिक्सटी फोर प्लस फोर्टी डिवाइड बाय टू, यही आ रही है ना सर? माइनस फोर्टी करेंगे ना, है ना? माइनस फोर्टी, हाँ माइनस फोर्टी, हाँ हाँ जी सर। ये आ गई एट प्लस माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय टू, तो एट प्लस माइनस टू रूट सिक्स बाय टू, मतलब फोर प्लस माइनस रूट सिक्स, ये है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू आ रही है और फाइव आ रही है, ये तो नहीं आ रही, ठीक है ना? तो अगर एक की आइगन वैल्यू लैम्डा है, उसकी लैम्डा कॉन्जुगेट है, देखो लैम्डा है यहां पर, इसका कॉन्जुगेट इसकी है, तो लैम्डा लैम्डा कॉन्जुगेट इसके बराबर तो नहीं आया ना, क्योंकि लैम्डा और लैम्डा कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कितनी आएगी यहां पर? फोर, ठीक है। और दो आइगन वैल्यू है, देखो एक तो है फोर प्लस रूट सिक्स, यही पॉजिटिव है, दूसरी कितनी है? फोर माइनस रूट सिक्स, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। समझ आई कुछ बात? आ गई सर। हाँ, मैट्रिक्स कैसी है आपकी? ये नॉन सिमिलर, तो यही कह रहा है, अगर मैट्रिक्स नॉन सिमिलर हो, आइगन वैल्यूज क्या आती हैं? पॉजिटिव, अगर सिमिलर आ जाए, नॉन नेगेटिव, अगर आर्बिट्री मैट्रिक्स हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर अगर वो सिंगुलर होगा तो जीरो आ जाएगा ना सर, आएगा। वो तो बात ठीक है कि जो ए ए स्टार की आइगन वैल्यू वो नॉन नेगेटिव क्यों होती है? इसकी आइगन वैल्यू है नॉन नेगेटिव क्यों होती है? क्वेश्चन ये है, नॉन नेगेटिव क्यों होती है? व्हाई नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज, क्या कारण है इसका, क्या तर्क है? और अगर ए क्या हो जाए? नॉन सिंगुलर, तो ए ए स्टार की आइगन वैल्यू है वाई पॉजिटिव आइगन वैल्यू, कि पॉजिटिव आइगन वैल्यू क्यों होती है? क्या कोई तर्क है, क्या कोई लॉजिक है?
क्या दे सकते हो लॉजिक? हो गया मैडम टेस्ट उनका? अच्छा अच्छा सर, मॉड लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल जीरो होगा ना? फिर वो कह रहा है मॉड लैम्डा स्क्वायर तो आइगन वैल्यू होती ही नहीं। नोट लगाए ना सर, अगर हो जाए तब। क्या नीड नोट बोले हैं ना आप? हाँ नीड नोट बोले हैं तो हो भी तो सकता है ना। हाँ अगर अगर हुआ तो इससे तो नॉन जीरो आ गया ना। हाँ अगर ना हुआ तो? अगर होगी तो ठीक है, अगर हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो? ठीक है आपकी बात कि लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, लैम्डा कॉन्जुगेट आइगन वैल्यू है ए स्टार की, तो अब लैम्डा लैम्डा कॉन्जुगेट आइगन वैल्यू हो भी सकती है ए स्टार की और नहीं भी हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा ना लैम्डा कॉन्जुगेट मे बी आइगन वैल्यू ऑफ ए स्टार और लैम्डा कॉन्जुगेट मे नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ। हेलो सर। हाँ जी। इसका डिटरमिनेंट नॉन निगेटिव होता है इस वजह से क्या, ए और ए इंटू ए स्टार का? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लॉजिक उठाया है। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मोड लैम्डा स्क्वायर मे बी आइगन वैल्यू ऑफ दिस और मोड लैम्डा स्क्वायर मे नॉट। अगर होगी तो मोड लैम्डा स्क्वायर तो ठीक है, नॉन नेगेटिव होगी। अगर ये केस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये केस हो गया फिर फंस गए आप। तो इसमें जो लॉजिक लगेगा ना वो डिटरमिनेंट का लगेगा। yes. कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट मोड का स्क्वायर से उसका यदि निकालेंगे ए ए स्टार का तो इसी से पता चल जाएगा कि आइजन वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा या जीरो। बिल्कुल। क्या इसी पे डिटरमिनेंट लगा दीजिए ए ए स्टार पे। टेम्प कौन सी? टेस्ट के करवाने हैं? अच्छा किसकी है? सुषमा मैडम की पैड चाहिए। अच्छा और उसकी स्टैंप कहाँ से आई? स्टैंप। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। सही, आपने बिल्कुल लॉजिक दिया है जो डिटरमिनेंट होता है। बिल्कुल सही आपने बात कही है, ये ए ए स्टार का वो प्रोडक्ट पे खुल जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए स्टार। हाँ इसको मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। हाँ ट्रांसपोज का कोई रोल ही नहीं है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए कॉन्जुगेट कह सकता हूं मैं इसको, कह सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट पूरे का। यस। और इसको कह सकता हूं मैं मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ए क्या आ गया, ये नॉन नेगेटिव। ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया, ये नॉन नेगेटिव। तो डिटरमिनेंट नॉन नेगेटिव आने से क्या फर्क पड़ेगा फिर? डिटरमिनेंट नॉन नेगेटिव आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? सर आप किसका लॉजिक करा रहे हो, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई इसकी ए ए स्टार की आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव क्यों होगी? वो लिखा है ना कि आइगन वैल्यू ट्रांसफर तो होती नहीं, कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की और लैम्डा डिटरमिनेंट को निकाल के बताया।
क्योंकि डिटरमिनेट प्रोडक्ट नहीं होता आइगन वैल्यू का। जो डिटरमिनेट है वो प्रोडक्ट नहीं होता आइगन वैल्यू का। नहीं समझे? जो डिटरमिनेट होता है वो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। यस सर। हाँ, तो डिटरमिनेंट क्या है? नॉन नेगेटिव है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी? नॉन नेगेटिव आएगी ना, पर ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। सर नॉन नेगेटिव, उनका प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव आएगा। हाँ प्रोडक्ट, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी तो हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बना फिर, ये तो कोई कारण नहीं बना, है ना? यस सर। फिर कौन सा लॉजिक चल सकता है इसके ऊपर? और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? लग रहा दिमाग नहीं सर। लैम्डा आइगन वैल्यू दे रखी है एक ही, तो ए स्टार एक ही। चलो इसको बाद में करते हैं, फिर कल करवाता हूँ मैं, थोड़ा समझ गया इसको, नेक्स्ट पे आ जाओ। यस सर। हाँ इसको छोड़ दो आप। नेक्स्ट है, इफ कैपिटल ए इज ए रियल मैट्रिक्स। देखो अब बड़ी विशेषता दे दी है इसने, कौन सी? कि ये रियल मैट्रिक्स है। अंडरलाइन कर लो इस बात को। आगे दे रहा है ये, देन द आइगन वैल्यूज, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए। देखो उसी तरह चल रहा है, वहां ए ट्रांसपोज की जगह क्या था? ए स्टार, क्योंकि वहां पर आर्बिट्री मैट्रिक्स थी, मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। ब्रैकेट में और ए ए ट्रांसपोज आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, बिल्कुल उसी की डिटो कॉपी चल रही है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। आगे बोल रहा है, फर्दर इफ ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब एक है ना हार्ड कंडीशन डाल दी है इसने थोड़ी सी, कि पहले तो ए मैट्रिक्स कोई भी रियल दे दी थी, अब रियल के साथ साथ क्या है, नॉन सिंगुलर भी है वो। देन देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए और ए ए ट्रांसपोज आर
क्या चीज हट जाएगी यहां से, क्या क्या लिखूं, क्या लिखूं? पॉजिटिव रियल नंबर। गुड, पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि जीरो हट गई ना, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स ये आ गई। तो इसका लॉजिक तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, ए रियल मैट्रिक्स है दी और दे रखी है, ए रियल मैट्रिक्स है गिवन है, तो लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू कितनी होती है, सेम होती है, लैम्डा ही होएगी, इसलिए यहां फर्क नहीं पड़ेगा। वहां फर्क पड़ता था, वहां स्टार की आइगन वैल्यू क्या होती थी, कॉन्जुगेट होती थी, ठीक है। और ए ट्रांसपोज भी रियल मैट्रिक्स है, क्योंकि ए रियल मैट्रिक्स है, रियल एंट्री है, तो ट्रांसपोज की तो एंट्री रियल आएंगी, ठीक है। तो यहां जो ए ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां प्रोडक्ट हो जाएंगी, क्योंकि सेम वो चीज है, आइगन वैल्यू है। तो यहां लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, ए ए ट्रांसपोज की, ठीक है, या ए ट्रांसपोज ए की। वहां फर्क पड़ता है कॉम्प्लेक्स में, रियल में फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है लैम्डा स्क्वायर क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। लैम्डा स्क्वायर क्या है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। हाँ अच्छा, अगर ए को मैं क्या ले लूं, नॉन सिंगुलर ले लूं, तो लैम्डा जीरो भी हट जाएगा, तो वहां लैम्डा स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर की आइगन वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो होती है, लैम्डा नॉन जीरो हो जाएगा। अगर मैं क्या कहूं, ए क्या है, नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स है, तो लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा को नॉन जीरो होना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज की भी क्या रहेगी, लैम्डा रहेगी, वो भी नॉन जीरो है, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगी, और लैम्डा नॉन जीरो, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। समझ आ गया ना बात, क्लियर है भी सबको ये? हेलो यस सर। हाँ सर, एक बार रिपीट कर दो। इसमें कह रहा है कि ए कोई रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आइगन वैल्यू बतानी है हमने ए ट्रांसपोज ए की और ए ए ट्रांसपोज की, वो क्या होंगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होंगी। फिर कहता है ए नॉन सिंगुलर है, जो आइगन वैल्यू होगी ए ट्रांसपोज ए की या ए ए ट्रांसपोज की, वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी, ठीक है। नॉन सिंगुलर होने का क्या फर्क पड़ेगा, लैम्डा नॉन जीरो हो जाएगा। ए की आइगन वैल्यू मैंने क्या मान ली, लैम्डा, ए ट्रांसपोज की भी लैम्डा आएगी, तो ए ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर। यस सर। हाँ तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर कैसा नंबर है, पॉजिटिव। यस सर। ठीक है ना, आ गया समझ। तो चीज वहां ट्रांसफर हो रही है ना, और वहां पर कोई सिंगुलर नॉन सिंगुलर कंसेप्ट ही नहीं है, वहां तो मैट्रिक्स आर्बिट्रेरी है, तो इसलिए वहां पर जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ गया ना सर? ये दोनों ए और ए ट्रांसपोज दोनों ए ही से रिलेटेड है, इसलिए लैम्डा प्रोडक्ट। हाँ क्योंकि प्रोडक्ट है, कहां पर होल्ड नहीं करता, ए बी में, अगर बी डिफरेंट चीज आ जाए, बी डिफरेंट मैट्रिक्स आ जाए, वहां प्रोडक्ट पे आइगन वैल्यू ट्रांसफर नहीं होती, कॉन्जुगेट पे भी नहीं होती। काउंटर दिया था मैंने आपको, लेकिन यहां ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसपोज पे ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ पर मुझे ना यहां पर एक गड़बड़ लग रही है, जो दिक्कत मुझे यहां पर आ रही है कि अगर रियल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ गई तो क्या होगा, तो मुझे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ लग रही है। अगर रियल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ जाए, देखिए वेरीफाई करके, एक ऐसी रियल मैट्रिक्स ले लो जिसकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स आती है, मुझे लग रहा है कुछ ये मैट्रिक्स है हमारी, कॉम्प्लेक्स आती है जीरो जीरो वन माइनस वन। हाँ
इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आती है, लैम्डा स्क्वायर डिटरमिनेंट आएगा प्लस वन माइनस वन चाहता, हाँ प्लस वन आना चाहिए, माइनस ट्रेस जीरो लैम्डा प्लस वन बराबर जीरो। इसकी आइगन वैल्यू क्या आती है, आइगन वैल्यू आएंगे इसकी आई और माइनस आई, प्लस माइनस आई, ठीक है ना। अब लेके देखो आप ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या है, जीरो माइनस वन वन जीरो, इसकी आइगन वैल्यू सेम आएगी, आई और माइनस आई आएगी, ठीक है। पर रिजल्ट तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ए ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू निकालना, ए ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी ना, यस वन वन आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएंगी। लेकिन जो गड़बड़ ये होगी ना, लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू कहाँ आई ट्री ट्रांस की, क्योंकि आई आइगन वैल्यू किसकी है, ए की है, और आई आइगन वैल्यू ए ट्रांसपोज की है, देख रहे हो ना आप, आई आइगन वैल्यू किसकी है, ए की है, आई आइगन वैल्यू किसकी है, ए ट्रांसपोज की है। रियल में तो बात ट्री हो जाती है, अगर रियल आइगन वैल्यू आती तो, जहां कॉम्प्लेक्स आती है वहां गड़बड़ होगी ना। देखो आई डॉट आई कितना हो गया, आई स्क्वेयर माइनस वन है, यहां तो नहीं आएगी, तो इसलिए भाई ट्रांसपोज भी आइगन वैल्यू शिफ्ट नहीं होती, लिख लो ये बात, इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, होगी होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लैम्डा आइगन वैल्यू ए की है तो ए ट्रांसपोज की कितनी आएगी, उतनी आएगी, बट बट लैम्डा स्क्वायर नीड नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। काउंटर ये रहा, काउंटर ये रहा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट पे ट्रांसफर नहीं होती ना कॉन्जुगेट में, ना इसमें, ना ए और बी की प्रोडक्ट में, कहीं भी ट्रांसफर नहीं होती प्रोडक्ट में। हाँ अगर ये रियल होती फिर बात बन गई थी, अगर साथ में आइगन वैल्यू क्या हो, रियल हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती। जहां कॉम्प्लेक्स आई वहां दिक्कत आएगी। पर मॉड लैम्डा स्क्वायर कर दीजिए तब हो जाएगा ना। हाँ फिर ठीक हो जाएगा, पहले मॉड फिर स्क्वायर करके अब ठीक हो जाएगा ना। हाँ फिर ठीक हो जाएगा, ये अगर मॉड लैम्डा स्क्वायर कर दोगे तो ठीक है ना। तो लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू हो जरूरी नहीं है ए ए ट्रांसपोज की या ए ट्रांसपोज ए की, तो इसलिए जो हम पहले वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं पिछले वाला वो गलत कर रहे हैं, टोटली गलत कर रहे हैं, ठीक है, उसको कट कर लो। हाँ जी सर, अगर माइनस आई और प्लस आई मल्टीप्लाई करें तो प्लस वन तो हो जाएगा, तो ठीक है, तो हो जाएगा। अगर मैं आई और माइनस आई करता हूँ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, अभी नेट नॉट भी होगा तब भी, फिर वहां पर गड़बड़ होगी ना, लैम्डा कहाँ रही, लैम्डा कॉन्जुगेट होगी, वो लैम्डा कहाँ रही, ठीक है ना। अगर कोई आइगन वैल्यू एक ही है, कोई आइगन वैल्यू एक ही है, मान लो लैम्डा है, तो ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू पक्का होगी, वो भी हम जानते हैं बाय द रिजल्ट, एक ही और एक ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो ए ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, समझ गए। यस सर,
जी सर, तभी होगा जब लैम्डा रियल हो, अदरवाइज जरूरी नहीं। क्या अगर सर लैम्डा रियल होगा आइगन वैल्यू? हाँ लैम्डा रियल होगा तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन लैम्डा जब कॉम्प्लेक्स होगा तो हमें दिक्कत आएगी, तो इसलिए हमने पिछले रिजल्ट का भी जो लॉजिक किया वो गलत किया है, उसको कट कर दो, कोई गलत नहीं कर सकते ना। सर कौन से वाले का? नॉन सिंगुलर वाले का? कॉन्जुगेट वाले का तो हमने सही किया, बता दिया है उसकी कॉन्जुगेट ट्रांसफर नहीं होती, जो ये इसका ये दे रहे थे ना लॉजिक अभी लैम्डा स्क्वायर वाला, वो अगर लैम्डा रियल आइगन वैल्यू हो तो ठीक है और रिजल्ट कोई दिक्कत नहीं है, उस पर लिख लो बल्कि रिमार्क करके, अगर लैम्डा रियल आइगन वैल्यू है फिर तो ट्रू हो जाएगा वो, क्योंकि रियल पे तो कोई फेल नहीं करेगा। क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा भी पॉजिटिव होता है। बता रहे हो? हाँ क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना। अगर लैम्डा रियल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत कब आती है? जब लैम्डा क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो, समझ गए ना? यहीं पे रिमार्क लिखा दीजिए सर। क्या रिमार्क? यहीं पे लिखा दीजिए आगे। हाँ आप लिख लो अपने लैंग्वेज में, लिख लो इस बात को। कंक्लूजन क्या निकल के आया? मेन कंक्लूजन ये निकल के आया मेन कंक्लूजन आपका ये निकल के आया लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा कॉन्जुगेट नीड नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ए स्टार और ए स्टार ए। पहला कंक्लूजन तो ये निकल गया। इसको हम क्या कह सकते हैं? मोड लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, आपने काउंटर लिया इसका, काउंटर कौन कौन लिया था? ए लिया आपने 1+i 1 0 और 2+i। ए का स्टार कितना आया था? 1 -i 0 1 2 -i। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू कितनी है? एक की तो 1+i 2+i आई, दूसरे की कितनी आई? 1 -i 2 -i आई। लेकिन जब हमने ए ए स्टार करके देखा, ए ए स्टार इस रूल से करके देखा, कितना आया? 2। आपने किया था 1+i, फिर कितना आया? 1 -i। फिर कितना आया इस किससे करें? 1+i। कितना आ गया था ये? 6। कितना? 6 आया सर। हाँ, तो इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर -8+10 लैम्डा 0 आई थी। तो लैम्डा कितनी आई सोल्व करके? 4+-6 आई, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुई ना। देखो एक की आइगन वैल्यू कितनी है? लैम्डा मान ली मैंने 1+i है, एक ही आइगन वैल्यू कितनी है? 1+i है। 1 -i किसकी आइगन वैल्यू है? ए स्टार की। तो इनको प्रोडक्ट किया तो 2 आनी चाहिए थी आइगन वैल्यू ए स्टार की, लेकिन 2 कहां आई है? आई नहीं। ठीक है ना, मोड लैम्डा स्क्वायर आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, तो ये कंक्लूजन फेल हो गया। लेकिन अगर यहां स्क्वायर मैट्रिक्स जगह आप क्या यूज कर दो? रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेम रिजल्ट ट्रांसफर होगा ना वहां पर भी, वहां भी जरूरी नहीं है।
क्योंकि मैं इसकी जगह चेंज करता हूं ए बी एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे क्या चेंज होएगा बताओ, यहां लैम्डा कॉन्जुगेट की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा का ट्रांसपोज, और यहां ए स्टार की जगह कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज। क्योंकि यहां आएगा लैम्डा, लैम्डा का ट्रांसपोज, नीड नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए। अब नंबर का ट्रांसपोज तो वही नंबर होता है, यानी कि लैम्डा डॉट लैम्डा, मतलब लैम्डा स्क्वायर। भाई लैम्डा स्क्वायर जरूरी नहीं है आइगन वैल्यू हो ए ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज ए की। यहां काउंटर, काउंटर अगेन वही हो गया। यहां तो सर लैम्डा के बारे में ये नहीं ना बोले हैं कि लैम्डा रियल ही होगा ना, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। यही यही सर, ठीक। हाँ हमने ये लिया तो है, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स है, आई और माइनस आई है, ठीक है ना। जब हमने ए ट्रांसपोज करके देखा तो ये आया, ये इसकी आइगन वैल्यू अगेन आई और माइनस आई आई, ठीक है। लेकिन जब ए ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी आई, इसकी आइगन वैल्यू वन वन आई, लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, आई आइगन वैल्यू है ए की, और आई आइगन वैल्यू होगी ए ट्रांसपोज की, तो आई इंटू आई आइगन वैल्यू है क्या ए ट्रांसपोज की, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, आइगन वैल्यू है क्या ए ट्रांसपोज की, ना वन वन है, काउंटर मिल गया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रहे ये चीज कभी ट्रांसफर नहीं होती ऐसे। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि जो आइगन वैल्यू आएगी ए ए ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज ए की, वो नॉन नेगेटिव आएगी, और ए स्टार की, ए स्टार ए की भी नॉन नेगेटिव आएगी। समझ आया भाई ये कंक्लूजन यहां तक जी? बोलो यहां। यस सर। तो कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हमने काउंटर दे दी, जहां नीड नोट होती है ना काउंटर देने होते हैं ना आपको। पहले हम लॉजिक गलत दे रहे थे उसका। तो जो रिजल्ट है मैं उनको लिखवाता हूं, जो मेन रिजल्ट है, मेन रिजल्ट ये है। अब उनके प्रूफ सोचने हैं हमने कैसे होंगे, उसके प्रूफ हम ऐसे नहीं सोच सकते क्योंकि हमारा दिमाग चलेगा यहीं पर और यहां पर हम फेल हो जाएंगे। वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट्स है वो, पहला हाँ बैक बैक ठीक है। मैंने फिर भी कहा किया बाहर बैठ के पढ़ ले, कमाल करता मुझे तो पढ़ाना ही है भाई, हुई बाहर बैठ के पढ़ खेल। ओके जो मेन रिजल्ट्स हैं हमारे वो ये हैं। नंबर वन, नंबर वन है लेट इफ लगा लो, इफ ज्यादा अच्छा है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, ये बोल रहा है, देन
आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ ए ए स्टार और ए स्टार ए आर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का अर्थ होता है या तो जीरो या पॉजिटिव। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इतना ही आएंगे, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा कंडीशन नंबर टू में, इसी का रूप है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर, इफ कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए ए स्टार और ए स्टार ए आर, क्योंकि नॉन सिंगुलर हो गया, लैम्डा जीरो आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि यहां मतलब क्या था, या तो जीरो या पॉजिटिव, तो जीरो वाला केस है कट हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव आर पॉजिटिव, ठीक है। लॉजिक हम सोचते हैं क्या आएगा। तीसरा रिजल्ट, तीसरा है इफ ए इज एनी, इफ ए इज एनी रियल मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, मैंने स्टारो किसे रिप्लेस कर दिया ट्रांसपोज से, आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सेम सेम रिजल्ट। नंबर चार, चार है दूसरे की फोटोकॉपी है, दूसरे की फोटोकॉपी कैसे है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए आर पॉजिटिव। आई थी पॉजिटिव, मैंने देखी थी 1-1 आई थी वो, जब कॉम्प्लेक्स आई थी ना आइगन वैल्यू 1-i-i देखी थी, और ए ट्रांसपोज की भी i-i आ गई थी, और ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ गई थी, आइगन वैल्यू 1-1 आई थी, पॉजिटिव दिखी थी क्योंकि नॉन सिंगुलर थी, ठीक है। अब मैं इनके प्रूफ चाहता हूं, लॉजिक चाहता हूं। लॉजिक में हम कहां फंस गए, हम ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे, हम लॉजिक गलत दे रहे थे। हम क्या गलत दे रहे थे लॉजिक, हम इसके आइगन वैल्यू लैम्डा मान रहे थे, ए ट्रांसपोज की भी लैम्डा आएगी, हम कर रहे थे कि लैम्डा का स्क्वायर ए ट्रांसपोज की आ जाएगी, जो कि गलत बात, वो लॉजिक सही नहीं हो सकता। तो सही लॉजिक क्या होगा, अब बात ये है किस रास्ते से जाएं, हाँ किस रास्ते से जाएं, आ रहा है कुछ दिमाग में क्या लॉजिक दे। देखो वो तो लॉजिक दे नहीं सकते हम, क्योंकि आइगन वैल्यू ट्रांसफर नहीं होती प्रोडक्ट पे, अगर लैम्डा वन आइगन वैल्यू एक ही है, लैम्डा टू आइगन वैल्यू भी की है, तो लैम्डा वन लैम्डा टू जरूरी नहीं है कि ये भी की होगी, ट्रांसफर नहीं होती वो तो हम जानते हैं, यहां भी ट्रांसफर नहीं हो रही क्योंकि ए अलग मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज अलग मैट्रिक्स है, वो बी मैट्रिक्स है, ए स्टार अलग मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर वो ठीक हो जाता तो ठीक हो जाती बात, कोई दिक्कत नहीं आनी थी हमें, प्रूफ आ जाता। तो उस रास्ते से जाना ठीक नहीं है, जाते तब ट्रांसफर होती ना, तो क्या लॉजिक लगाएं, कुछ माइंड में नहीं आ रहा। गूगल से चेक करियो एक बार, गूगल से चेक करना, हेलो भाई कहावत है ना अपनी, बाद में सुनाइयो क्या आगे बता। घर तो बन गया,
मैं क्वेश्चन में अटकाऊंगा, अभी रुक जा। हाँ जी, सोचा कुछ? हेलो 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 हेलो, यस सर। कहाँ मर गई हो? हो गई क्या? तो बोल रहा अपने गूगल पे देखो। फिर तुम तो रिस्पांस भी नहीं कर रहे हैं सर, फिर वहाँ पे बीती थे ना, इसी वजह से। बंदे का मन तो लग जाए, कमाल की बात करते हो। चुप, कहीं तुम्हें तंग किया हुआ इधर से ये। किया चेक सर, रुक जाओ, मुझे दे, यूवी फोन दे मेरा, मैं चेक करता हूँ। देना इधर दे सर, यही रिजल्ट्स कराए बस। हाँ हाँ हाँ, जहाँ से रिजल्ट स्टार्ट किए थे। हाँ मैं डालता हूँ, एक मिनट। बेटा नहीं अटक जाता, कई बार ऐसे थोड़ी होता है कि सारे मुझे आते हुए। इफ ए इज एनी रियल मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यू ऑफ ए ए ट्रांसपोज आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। आया पास, मेरे पास तो कुछ और ही दे रहा है। दोबारा बोल रहा हूं मैं इसको, a real matrix then the eigen values of a transpose a are non negative real numbers। टाइप करके आएगा, टाइप करके, टाइप करके आएगा। मैट्रिक्स देन वैल्यूज ऑफ आया किसी के पास? नहीं सर, पता नहीं, इसमें तो अजीब वो ग्रीव दे रहा है। नहीं आया सर। दीपक पता कुछ क्या लॉजिक हो सकता है? हेलो, नहीं सर, माइंड में नहीं आ। ओके, रागिनी रागिनी, हेलो मोनिका,
क्या हो सकता है। चलो फिर टाइम खराब नहीं करते, ग्रुप में भेज रही हूँ सर। भेज दिया है? भेज रही हूँ सर। मिल गया प्रूफ? देख लेना सर, आपको यही है क्या? मैं भेज। अच्छा अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं सीधा भेज ही रही हूँ। ओके भेज दिया सर। ये तो पोस्ट डेफिनेट नाइस से प्रूव कर रहा है। हाँ सर, और आपने जब हम लोगों को करवाया है सर, तो आपने पॉजिटिव डेफिनेटनेस से ही करवाया था सर? पॉजिटिव डेफिनेटनेस से ही? हाँ सर, लास्ट ईयर। ओके हेलो। हाँ जी, हालांकि इसका ना क्वाड्रेटिक फॉर्म होने के बाद आना चाहिए था क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर फिर समझ में आता है। चलो फिर भी करते हैं इसको, करते हैं इसको। इसने जो लॉजिक दिया है देखो, फिर यहां पर वही चीज यूज कर रहा है ये, द मैट्रिक्स ए ए ट्रांसपोज इज नॉन नेगेटिव डेफिनाइटनेस। ये आपको ना तभी समझ में आएगी जब वो चीज आएगी। हाँ भाई, इसका ना क्वाड्रेटिक फॉर्म तक इंतजार कर लो। हाँ, मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करेंगे क्योंकि वो लॉजिक वही चल रहा है इसमें। ओके सर। हाँ, रिमेम्बर रख लो एज रिजल्ट इसको, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको इसका प्रूफ अभी। आइगन वैल्यू से तो प्रूफ हो नहीं रहा, ये गलत हो रहा है, हमने ट्राई करके देख लिया। ठीक है, चलिए। तो अब आपको है ना 9.4 कंप्लीट कर देनी है, क्योंकि 9.4 का एक रिजल्ट रह गया, लास्ट लास्ट रिजल्ट रह गया है वो। लास्ट रिजल्ट क्या है? If lambda is an eigenvalue of a non-singular matrix A corresponding to the eigen vector V and जो f of x है, यहां polynomial नहीं बोल सकते क्योंकि पोलिनोमियल हमेशा क्या होता है, पोस्ट डिग्री का होता है। यहाँ पोलिनोमियल नहीं है, एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसा है? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स एन प्लस। अब है ना नेगेटिव पावर चलेंगी एक्स की, हमने इसके लिए तो प्रूव कर लिया था उस दिन, एग्जांपल उस दिन कर लिया था कि अगर कोई हमारे पास है मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पता है तो पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यू क्या होगी, जो एफ ऑफ ए की होगी, वही ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? नेगेटिव पावर्स भी दे रखी है। नेगेटिव पावर्स कैसे? जैसे बी नोट लिखने की जरूरत नहीं है, बी वन बाय एक्स, बी टू बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं। मैं bm लगा लेता हूं, bm बाय xm, ये दे रखी है क्योंकि m और n से डिफरेंट है।
सेम भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं। देन देन जो एफ ऑफ लैम्डा आपको ना मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ ए आपको डायरेक्ट निकाल लेनी है एफ ऑफ लैम्डा। देन एफ ऑफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ ए कोरस्पोंडिंग टू द सेम आइगन वेक्टर वी कोरस्पोंडिंग टू द सेम आइगन वेक्टर वी। मैं आपको ना एग्जांपल लेके समझाता हूं ये बात, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। पिछले लेक्चर में हमने कहां तक रिजल्ट किया था? पिछले लेक्चर में हमने यहां तक रिजल्ट किया था और वहां पर मैंने नॉन सिंगुलर को ड्रॉप किया हुआ था। वहां लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स, यहां नॉन सिंगुलर नहीं था वहां पर। आ गया ध्यान? समझाया भी पिछले लेक्चर में क्या किया था हमने? यस सर। हाँ, बाकी आगे वाला रिजल्ट सेम था। यहां पर क्या चीज एडिशनल आई है? नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर एक्स्ट्रा आई है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं प्रैक्टिकली, एग्जांपल लेके देखते हैं। कर दो रफ। हेलो सर, तू ना सर। ठीक है, मिटे दो सर। अच्छा देखिए, ए आपका कोई सिंपल सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए ले लेते हैं हम वन माइनस वन वन जीरो। उस दिन भी हमने यही ली थी। लवर ले लो, लवर ट्रायंगुलर टू क्रॉस टू की होगी। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगी पक्का, क्योंकि नॉन सिंगुलर है। क्योंकि डिटर्मिनेंट ए कितना है? डिटर्मिनेंट ए आया आपका माइनस वन, नॉन जीरो है। तो एक ऐसी है आपकी नॉन सिंगुलर है, तो हमने जो गिवन कंडीशन फुलफिल कर रही है वो मैट्रिक ले ली है। और ए की आइगन वैल्यू में पता है आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या है? आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर वन एंड माइनस वन। हाँ, उदी निकाला था हमने लैम्डा वन के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालो। कौन आइगन वेक्टर बोलियो? इवन बोलियो, बोलो कौन आया? सर वन जीरो। वन जीरो था ना? यस सर। हाँ, के टाइम वन जीरो था, तो वन जीरो ने बेस में ले लिया ये। और लैम्डा माइनस वन के कोरस्पॉन्डिंग क्या था? वन माइनस टू सर। हाँ, यहां था वन माइनस टू था। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई पॉलिनोमियल ले लो जिसमें नेगेटिव भी हो वो ले लो। मान लो मैं ले लेता हूं एफ एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर ले लो, नेगेटिव में ले लेंगे प्लस टू एक्स स्क्वेयर और थ्री वाई एक्स ये ले लिया। ठीक है, वहां हमने लिया था यहां तक बस। तो यहां आप क्या निकालेंगे? पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो एफ ऑफ ए कितना आएगा? वन आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, है ना? एक्स की जगह ए आ जाएगा, टू ए स्क्वेयर आ जाएगा। ये थ्री बाई ए का मतलब क्या है? थ्री ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपको पता ही है वन जीरो जीरो वन, ए आपको पता ही है वन जीरो वन माइनस वन, टू आपको पता ही है। ए स्क्वायर कितना आया था? कितना आया था भाई? सर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आ गया था ना। हाँ, और ए इनवर्स कितना आएगा? चेंज द साइन ऑफ डायगनल एलिमेंट्स ना, डायगनल एलिमेंट की पोजीशन बदलो,
बाकियों के साइन बदलो, यही आ जाएगा ना एडजॉइंट। डिटरमिनेंट कितना है? माइनस वन है, माइनस वन से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक कर रहा हूं ना? तो यहां माइनस थ्री नहीं आ जाएगा? यस सर। इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। यस सर। करना कितना आया ये एफ ऑफ ए? फाइनल बताना मुझे कितना आया। सर 7 0 रो वाइज 7 0 आगे 4 माइनस 1। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज कितनी आई? 7 और -1। यस सर। 7 ए कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू कितना, आइगन वेक्टर कितना आया, आइगन स्पेस का बेसिस कितना आया? बताओ 7 को स्पॉन्ड कितना है? टू वन आया सर। टू वन श्योर? मेरा 2-1 आया। और -1 के कोरस्पोंडिंग निकालना है सर। के लिए भी सर 1 में जो है 1-0, 2-1 ही आता है, गलत लिखे हैं ऊपर से। सर 0-1 आया। 0-1 आया है सर, ऊपर गलत लिखे हैं आइजन वेक्टर ए के लिए। तो वन गलत है? लैम्ब्डा 1 के कोरस्पोंडिंग सर आइजन वेक्टर गलत है। आप आइजन वेक्टर गलत लिखे हैं ए के लिए। कितना है बताओ? 1 के अकॉर्डिंग 2-1 है और -1 के अकॉर्डिंग 0-1 है। ऊपर सर, ऊपर सर, ऊपर ऊपर 1 के कोरस्पोंडिंग कितना है? 2-1। 2-1 है ये। ओके, और -1 के अकॉर्डिंग है 0-1। 0-1 है जी। अच्छा, नीचे बताओ। सर पहले सही लिखा था? नहीं सर, पहले ठीक था। यस सर। क्या हो रहा है भाई तुम्हें? सर आप फाइंड करके देख लो पहले जो निकला था। लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए 2-1 आया है सर। अमरजीत सर ने सही बताया है। ने सही बताया सर, मैट्रिक्स आपने दूसरी ली थी ये अपर। अच्छा, ए के लिए यही है ना? ए के लिए सही है ये? हाँ सर। ठीक है, अब एफ ऑफ ए के लिए बताओ। ए के लिए सर पहली तो यही आ रही है 2 और 1। 2 और 1 है। ओके, और दूसरी बताओ। जीरो वन है। ठीक है, अब हमें ना एफ ओफ ए निकालने की जरूरत नहीं थी अगर हम रिजल्ट यूज करते। रिजल्ट देखो, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ए की है तो एफ ऑफ लैम्डा आइगन वैल्यू किसकी होगी? एफ ओफ ए की होगी। एफ ऑफ लैम्डा बोले तो एफ ओफ 1 रखो इसमें 1, कितना बनेगा? 1 + 1 + 2 × 1² 3/1 कितना आएगा आफ्टर सॉल्विंग? 7 है ना मैचिंग। फिर एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू कितना था? -1। तो -1 रखो यहां पे, रखो -1
तो 1 माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 3 बाय माइनस 1 आफ्टर सॉल्विंग क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4 है प्लस के 3 है माइनस 1 आएगा मैचिंग हो रही है ठीक है प्रैक्टिकली देखा हमने वो भी मैचिंग हो रही है तो हम एग्जाम में एफ ऑफ ए क्यों निकाल लेंगे क्योंकि वो हमें क्या देगा क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स देगा और एफ ऑफ ए की आइगन वैल्यू पूछेगा तुम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे ना समझ गए ना तो हमें एफ ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है वहां पर क्योंकि हमने उस दिन की थी यहां तक वहां भी जरूरत नहीं थी अगर डिवाइड में आ जाए वहां भी जरूरत नहीं है समझ गए हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर वो पॉलीनोमियल चेंज कर देता यहां पर जी एक्स वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर और थ्री बाय एक्स कर दे और माइनस फोर बाय एक्स स्क्वेयर करे तो मैट्रिक्स क्या बनेगी जी ऑफ ए कितनी बनेगी जी ऑफ ए बता सकते हो कितनी बनेगी वन की जगह आई ए ए टू ए स्क्वेयर थ्री ए इनवर्स आगे बताओ क्या बनेगी आगे क्या बनेगी ए की माइनस टू कैसे निकालोगे ए इनवर्स का स्क्वेयर हाँ ए इनवर्स का स्क्वेयर ठीक है तो ए की कितनी भी हायर पावर आ जाए ए की माइनस थ्री ए की माइनस फोर आप ए इनवर्स की पावर कर दोगे ऊपर समझ गए ठीक है जी सर ओके तो इस बेस पे आपकी 9.4 है कंप्लीट है क्योंकि जो सेकंड है ना इस सेकंड पार्ट इसका दे रखा है जो थ्योरी दे रखी है इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम है ये चैप्टर थर्ड की है चैप्टर थर्ड हम पूरा कर चुके हैं चैप्टर थर्ड का और उसका मिक्स है ये आप खुद करोगे जो थ्योरी दे रखी है ना आगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम ए इज इनवर्टिबल ए ट्रांसपोज इन इनवर्टिबल आगे सिस्टम एक्स इक्वल टू बी बी इन आर एन ये सब हम कर चुके हैं ए हैज एन पिवोट पोजीशंस ये सब कर चुके हैं ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना सबके पास ये वर्कबुक में थ्योरम देखो इस थ्योरम को जरूर कर लेना और इस थ्योरम को विद लॉजिक करना क्योंकि मैं करवा चुका हूं इसको थ्योरम का नाम है इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम क्योंकि इसमें सारी पिछली थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाएगी इनवर्टिबल आपने क्या बताया था एक बार रिपीट करोगे सर सुना नहीं था ये मैंने पॉलीनोमियल बताया था कि कैसे आया है जी वाला कैसे आया था सर भाई एक्स की जगह ए रिप्लेस कर दो जब आप x की जगह a रिप्लेस करोगे तो वो ऊपर जाके हो जाएगा ना जैसे 3x की जगह a 3 बाय a मतलब हाँ। यही चीज आपने g पर बताई है हाँ सेम। क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता होती ना जैसे 4 बाय a को क्या लिखूं तो वो लिखेगा माइनस 4 a की माइनस 2 अब a की माइनस 2 कैसे निकालूं तो माइनस 4 a इनवर्स का स्क्वायर करके निकाल a इनवर्स पहले निकाल रखिए उसका स्क्वायर कर दे ठीक है लोगों ने क्या करना है इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम मैंने पूरी करवा दी है ये क्योंकि आप इस लोग को आप इस चीज को पढ़ते नहीं हो आपको पढ़ना है ये क्योंकि इसमें एलटी का भी यूज है चैप्टर थर्ड का भी यूज है सारी बातें यूज हो रही हैं ये थ्योरम है इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम इस पे क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जितने मोस्ट लगाओ उतने ही कम है ठीक है जरूर आती है एग्जाम में क्या लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ ऊपर आपके पास वर्कबुक हो तो सारा कुछ लिखा उसमें द फॉलोइंग
कंडीशंस 9.4 के लास्ट है ना सर ये? हाँ हाँ, ऑन ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? एक सही तो सारा सही। हाँ मतलब सारे सभी चीजों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। अगर एक ट्रू है तो सारे ट्रू है, अगर एक फॉल्स है तो सारे फॉल्स है, मतलब बिल्कुल सेम है लॉजिकली वो सारे जितने दे रखे हैं हमें, ठीक है। आगे उसने इन अदर वर्ड्स ये भी लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स इफ द मैट्रिक्स हैज, इफ द मैट्रिक्स हैज एनी वन ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज, जो अमरजीत नान कह रहे थे उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है ये, देन इट हैज ऑल ऑफ देम, ये मतलब है, देन इट हैज ऑल ऑफ देम, एक प्रॉपर्टी होल्ड करगी सारी होल्ड करगी, एक फेल करगी सारी फेल करगी। पहला जो रिजल्ट बनाया इसने वो बनाया है कोफिशिएंट मैट्रिक्स के ऊपर, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के ऊपर। हर अग्नि जो बुक आपने एसकेएम वाली पढ़ी है वो अच्छे से? सर अभी तो बस सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक ही पढ़ा सर। देख उसमें उसमें और इसमें डिफरेंस देख, अगर उसमें कुछ अच्छी बातें दे रखी है ना तो फिर हम उसकी वो निकलवा लेंगे, पीडीएफ बना लेंगे और पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे। हाँ जी सर। सर ये तो सर करना सही ही रहेगा सर, क्योंकि कुछ कुछ बातें तो सर है उसमें अलग। ओके मेरे को ना उसके कुछ फोटो लेके भेजियो। हाँ सर ठीक है सर। हाँ इसकी भेज दी आइगन वैल्यू वाइड चैप्टर की, हमें पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। हाँ सर ठीक है सर। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के ऊपर दे रखी है पहली प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी दे रखी है कि ए इनवर्टिबल है, ए इनवर्टिबल है। दूसरी है ए ट्रांसपोज भी इनवर्टिबल होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, लॉजिक सेम है, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का बराबर आएगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का नॉन जीरो होगा। पहली प्रॉपर्टीज ने कोफिशिएंट मैट्रिक्स के ऊपर दे रखी है, कितने अच्छे अच्छे हेडिंग बना रखी है, बड़ी अच्छी बुक लिखी हुई है ये। सेकेंड है लीनियर सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं हम, उसके ऊपर बना रखी है ये सारी बातें लीनियर सिस्टम के ऊपर। लीनियर सिस्टम में क्या लिखा है? द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन फॉर एवरी बी इन आर एन। क्या लॉजिक दे सकते हो? हमें तो सिर्फ क्या ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है, स्टेटमेंट तो लिखी पड़ी ही नहीं है हमारे पास, हमें लॉजिक ढूंढना है। इसका लॉजिक तो आप समझ ही गए होंगे, लॉजिक क्या है? डिटर्मिनेंट है ए नॉन जीरो है, और डिटर्मिनेंट है जो ए ट्रांसपोज का बराबर आता है डिटर्मिनेंट ए के, वो भी नॉन जीरो आएगा, तो ए ट्रांसपोज भी इनवर्टिबल होगी। तो आपको लॉजिक ढूंढना है, तो लीनियर सिस्टम वाले का लॉजिक दे सकते हो इसका? तभी बी के लिए सरकार आए ना एटलीस्ट वन सेकंड। हाँ हाँ तो मतलब ए के सर हर एक कॉलम में पिवट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे सर, रैंक ऑफ ए कोएफिशिएंट ए कोएफिशिएंट बी और ए की कंसिस्टेंट ही होगा सर। क्या बोले? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की बात कर रही है ना, एटलीस्ट सॉल्यूशन
तो ए के हर एक कॉलम में पिवोट होगा यानी ए इन्वर्टिबल हो जाएगा सर। ए के हर एक कॉलम में पिवोट है ठीक है, फिर उससे कैसे पता चला इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, ये एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है सर। फुल रैंक मैट्रिक्स हो जाएगी। हाँ फुल रैंक मैट्रिक्स होगी तो ए ऑगमेंटेड बी में क्या होगा सर, उसमें भी हमारी वही रहेगी। हाँ उसमें जो लास्ट कॉलम में पिवोट है कभी नहीं आएगा। हाँ जी। लास्ट कॉलम में पिवोट है कभी नहीं आएगा है ना, एटलीस्ट लास्ट कॉलम का मतलब तो यही हुआ है सर कि लास्ट में कभी पिवोट नहीं आएगा। हाँ फिर ये एटलीस्ट वन क्यों बोल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल तो एन है, रैंक है एन के बराबर है, पक्का पता है। फ्री वेरिएबल तो जीरो आएंगे, यूनिक आएगा है ना, आंसर तो यूनिक आएगा, फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। भाई ये लॉजिकली ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, यूनिक आना भी तो एटलीस्ट वन में आता है। जी सर समझ गए ना। ऐसा नहीं, अगर ये लिख देता कि दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो ये ठीक होता है, गलत होता, गलत ये फॉल्स हो जाता। फिर बी का सर लास्ट कॉलम जो बनेगा ना, सॉरी लास्ट रो जो बनेगा बी के लिए केवल बोल रहे हैं, वो अगर हम जीरो तो उस केस में तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लेना ही पड़ेगा। किस केस में, यहाँ पे सर अगर जीरो ले लेंगे, यहाँ पे अगर जीरो कर दिए तो यहाँ से ये पिवोट हटाना ही पड़ेगा ना। क्यों हटाना पड़ेगा, रैंक ए का एन नहीं दे रखा है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है सर, इसीलिए भाई ए का रैंक एन है शुरू में दे रखा है। ए का रैंक आप उससे कम नहीं ले सकते एन से, क्योंकि ए पे तो कंडीशन है। जी सर जो ए का रैंक कितना है, एन है। हर कॉलम में पिवोट है ना ए के, तो ए पे तो आप मना नहीं कर सकते, जो ए रेफर होगा वो बी में होगा, ए ऑगमेंटेड बी में। जो ऑपरेशन लगाते हैं ए पे तो वही ऑपरेशन लगे जो पहले ए पे लगते हैं, बी में ऑपरेशन अलग लग सकते हैं, तो बी में लास्ट कॉलम में पिवोट आ ही नहीं सकता कभी भी। तो फ्री वेरिएबल तो इसमें हमेशा जीरो आएंगे, यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो नो सोल्यूशन अगर देता है तो गलत होगा। इसने दिया हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो ये टेक्निकली ट्रू हो जाएगा सर। हाँ अगर यहाँ पे कोई कंडीशन इम्प्लीमेंट ना करे सीधी स्टेटमेंट तो इनफाइनाइटली मैं नहीं बोल सकता है ना। कैसे कैसे, जैसे लीनियर सिस्टम वाली लिख रखी हो ना, इसके इक्विवेलेंट हम ये अगर ऊपर की ना हो इनवर्टिबल वाली, अब फिर नहीं फिर इनफाइनाइटली मैं नहीं सोल्यूशन बोल सकते हैं स्टेटमेंट, फिर कुछ नहीं बोल सकते, फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। हमने इतने केस नहीं किए थे वहां पर, इतनी एस्टिमेशन की थी रैंक ए का, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फिर नहीं बोल सकते आप कुछ भी, ना यूनिक बोल सकते ना इनफाइनाइट, नो कुछ भी हो सकता है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कहीं पे ये लिखाओ कि द सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, सिर्फ इतना लिखाओ तो इसको ऐसे बोल, इसका फिर ये मतलब नहीं होगा ताकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ना, आइदर वन और इनफाइनाइट होगा, वन भी तो हो सकता है, आइदर यूनिक और इनफाइनाइट। हाँ ठीक समझ गए। तो लीनियर सिस्टम में देखो तीन बातें लिख रहा है, पहली बात ये लिख रहा है, पहली बात है इस लॉजिक से टेक्निकल ट्री हो जाएगी, दूसरी बात वही लिख रहा है जो मैंने ऊपर बोली है, फिर इसी चीज को वो एलटी में ट्रांसफर कर रहा है। देखो सेकंड बात ये बोल रहा है, फॉर एवरी बी इन आर एन, फॉर एवरी बी इन आर एन द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी हैज ए यूनिक सोल्यूशन। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है ये भी, क्योंकि लॉजिक कर दिया हमने। तीसरा अगर इसका होमोजेनियस सिस्टम बनाए क्या आएगा होमोजेनियस सिस्टम, बी की जगह जीरो ले ले, ax इक्वल टू जीरो हैज
ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन. ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x जीरो आएगा, जीरो सॉल्यूशन या यूनिक, सारी चीजें इक्विवेलेंट है ना, ये एक ही मतलब है, कंसिस्टेंट भी बोल दो. हाँ हाँ. और अगली टॉपिक इसने क्या लिया है, पिवोट्स के ऊपर लिया है. देखो उसने सारे हेडिंग बनाए हैं. हाँ जी सर, जो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट थी इसमें बस यूनिक ही सॉल्यूशन होगा ना, बिल्कुल इनफिनाइट का केस भी होगा. इनफिनाइट तो हो ही नहीं सकता, नहीं होगा ना. ठीक है, क्यों नहीं होता इनफिनाइट, क्योंकि हर एक कॉलम में पिवोट है एक ही. हाँ जी हाँ जी, मतलब थर्ड चैप्टर को ये भूल नहीं दे रहा यहाँ भी, किसको मत भूलो, कॉलम्स ऑफ ए आर एल आई हो जाएगा. हाँ ठीक है, तो इसने हेडिंग बना रखे हैं. देखो पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स के ऊपर बनाया, दूसरा लीनियर सिस्टम के ऊपर बनाया, तीसरा पिवोट्स के ऊपर बनाया. पिवोट्स के ऊपर इसने क्या क्या बनाया है, ए हैज एन पिवोट पोजीशन. रैंक तो फ्री वेरिएबल तो जीरो आएंगे कोमल, फ्री वेरिएबल इसमें जीरो आएंगे. क्यों आएंगे, क्योंकि रैंक कितना है, एन है. टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, एन है. नेक्स्ट ये इस चीज को कनेक्ट कर रहा है पिवोट्स के साथ, तो यहां कनेक्ट कर रहा है ये पिवोट्स के साथ. पिवोट्स पिवोट्स के साथ क्या कनेक्ट कर रहा है, नंबर वन ए हैज एन पिवोट पोजीशंस. क्यों ट्रू है बताओ, क्यों ट्रू है, डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है. हाँ डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. नंबर टू, एवरी कॉलम ऑफ ए हैज ए पिवोट पोजीशन. क्यों, पहला ही हो गया. हाँ जितना रैंक है, रैंक कितना है इसका, एन है, तो जितना रैंक होता है उतना कॉलम रैंक होता है, उतना रो रैंक होता है. ठीक है, तो जितने रो में पिवोट है उतने कॉलम में होंगे, सही बोल रहा है. तो एवरी कॉलम है जे, सेम बोल रहा है ये, एवरी रो ऑफ ए हैज ए पिवोट पोजीशन, यही बोल रहा है. समझ गए रैंक की वजह से है. अगला जो इसने हेडिंग बनाया है, रैंक एंड रो इक्विवेलेंस से बनाया है. ये 1 2 3 नहीं, 7 8 9 था, 6 7 8 था सर. हाँ 7 8 9 मैं तो ऐसे लिख दिया, 7 8 6 7 7 8 9 था, ये 6 7 8 था शायद. जी 6 7 8. हाँ 6 7 8 है, मतलब ये आपको समझना है ना इनके मीनिंग क्या है सारी डेफिनेशन के इसमें, क्योंकि हम कई बार ना इसको एम ही छोड़ देते हैं, अभी सर ने तो करवाई नहीं, हम क्यों करें इसको, लेकिन आपको पढ़नी है, मैं करवा रहा हूं फिर भी. रैंक एंड रो इक्विवेलेंस, रैंक एंड रो इक्विवेलेंस ये हेडिंग बनाया. नेक्स्ट क्या लिखा है नाइन्थ को इसने, ए इज रो इक्विवेलेंस टू आई एन, ए इज रो इक्विवेलेंस टू आई एन. क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है, बताओ भाई. एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी में रिड्यूस कर सकते हो आप, रिड्यूस एक्लन फॉर्म. जब हम इसकी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनाएंगे तो आई एन आएगा, आइडेंटिटी आएगी,
ध्यान करो हमने नॉर्मल फॉर्म लाई थी पहले चैप्टर वन में टू में, वही चीज है ये। आइडेंटिटी का रैंक भी एन है, इसका रैंक भी एन है, तो ये आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगी, रो इक्विवेलेंट। तो इन चीजों का यूज होगा आगे चल के, कभी सोचो भाई एवे लिखी हुई बातें हैं ये। तो सर कॉलम इक्विवेलेंट भी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम इक्विवेलेंस ऑपरेशन लगा के भी आप इसकी आइडेंटिटी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। टेंथ, टेंथ है रैंक ए है एन है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे इंपॉर्टेंट है ज्यादा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट बनाए हैं इसने एल टी के। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट क्या बना रहा है जी, क्योंकि आपको पता है हर एक मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एक एलटी एग्जिस्ट करती है ना, पता है ना इस बात का, कैसी एलटी एग्जिस्ट करती है हर एक मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग, और एलटी कोरस्पॉन्डिंग क्या करती है, मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट क्या बना रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका जो लिखने का तरीका है इलेवेंथ रिजल्ट को, वो लिख रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन आगे ना एक एक्स पे ऐसे लगा रहा है, एरो लगा रहा है इस साइड में, और यहां ये लगा रहा है ए एक्स, कहता है इज 1 1, ब्रैकेट में लिख रहा है इंजेक्टिव, ठीक है। ये वही है टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स, ये फुल रैंक की मैट्रिक्स थी ना सर, फुल रैंक मैट्रिक्स है, फुल रैंक मैट्रिक्स। तो नलिटी कितनी आएगी इसकी, जीरो 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 जीरो, ठीक है ना, जीरो आएगी, सिंगलटन जीरो। तो रैंक कितना आएगा इसका, तो 1 1 बन जाएगी ना ये, अगर नलिटी जीरो आती है तो 1 1 बनती है, तो रैंक नलिटी फॉर्म लगा दो, लॉजिक पर चल रहे हैं सारे, सेम डायमेंशन पे है तो ऑन टू भी हो जाएंगे सर। हाँ ऑन टू भी हो जाएगा, वही लिख रहा है, बारहवा रिजल्ट भी वही लिख रहा है, मतलब ये पूरे उसकी रिवीजन कर रहा है जो पिछले टॉपिक हमने कर दिए हैं। ट्वेल्थ है क्योंकि ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर मिलेंगी ये सारी बातें, द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ए एक्स मैप्स आर एन ऑन टू, अब जो वर्ड यूज किया है उसने ऑन टू आर एन, मतलब ब्रैकेट में लिख रहा है सब्जेक्टिव है, सही लिख रहा है ना, लॉजिक आप जानते ही हो। हाँ अब आगे इंपॉर्टेंट बात लिख रहा है लेफ्ट टू राइट इनवर्स, क्या लिख रहा है, लेफ्ट एंड राइट इनवर्सेस। सर ये 1 1 थी और आर एन से आर एन तक थे इसलिए ऑन टू है ना। हाँ क्योंकि आप है ना वो बनाओ ना कहां से कहां तक जाएगी, ए मैट्रिक्स आपकी एन बाई एन है, एंट्री रियल है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहां से बनेगी, यहां से आर एन टू आर एन डिफाइंड बाय, ध्यान आ रहा ना वो सारी चीजें, टी एक्स इक्वल टू ए एक्स। मतलब चीजों का कनेक्शन वहीं से है सारा सारा। अब जो यूज कर रहा है ये लेफ्ट एंड राइट इनवर्सेस, लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स, क्या मतलब है, 13th रिजल्ट यूज कर रहा है ये, 13th रिजल्ट यूज कर रहा है, देयर इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बी सच दैट बी की प्री मल्टीप्लाई करें ए के साथ, आइडेंटिटी आएगी, लॉजिक इन्वर्टिबल है ये। हाँ क्योंकि ये इन्वर्टिबल है,
और असल में भी क्या आएगी, ए इनवर्स ही आएगी, है ना, क्योंकि ए क्या है, इन्वर्टिबल है. अगर इन्वर्टिबल है तो उसका लेफ्ट इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कोई नहीं रोक सकता, राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. देर इज का मतलब तो यही हुआ ना सर कि एक बी एग्जिस्ट कर रहा है. हाँ जी सर, एक बी और यूनिक होगा वो. जी सर, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना, तो इन्वर्टिबल में तो वो तो होता है, लेफ्ट राइट इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं. Hello? तो वही वही बात को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर वो सर. हाँ जी, इसका मतलब ये है ना कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो लेफ्ट से भी इन्वर्टिबल है राइट से भी. यस, यही मतलब है. हम वही नहीं करते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी. यहां नया नाम ले दिया इसने, बी दे दिया, एक बार सी ले दिया, क्या फर्क पड़ गया, बी और सी इक्वल होंगे. ठीक है, ये कॉलम वेक्टर की प्रॉपर्टी है, उसके बाद रो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, और लास्ट में आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है. बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी दे रखी है. तो ये सारी 28 प्रॉपर्टी दे रखी है, 28. तो प्लीज प्लीज इनको रीड आउट कर लेना एक बार, और विद लॉजिक के साथ. समझ गए? यस सर. तो अब हमारी 9.4 पूरी कंप्लीटली कंप्लीट है. तो 9.4 के जो आप कोशिश करना, जो क्वेश्चन 7 पे लॉजिक लगाने की, ये करी दी, गुड कर दी, तो अच्छी बात है. जिन्होंने नहीं की तो हम 9.5 आगे स्टार्ट करेंगे. ओके ठीक है. यस सर. ठीक है फिर, गुड नाइट करें. यस सर, गुड नाइट. गुड नाइट सर. ओके, गुड नाइट जी, गुड नाइट.